हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर है का चैप्टर नंबर 17 कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। ठीक है ना, अब यहाँ पर मैं अलग से आपको कोई वो वीडियो नहीं बना के दे रहा हूँगा, ठीक है ना, या फिर चैप्टर डीपली तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी ही आपको ये वाला चैप्टर आईपी के अंदर कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है ना, आईपी के आप फर्स्ट वीडियो के जो आपकी की क्लास के 11th क्लास के जो वीडियो होंगे फर्स्ट, ठीक है ना, उसमें देखना आपको मैंने इनपुट डिवाइस, आउटपुटिंग डिवाइस, स्टोरेज, मेमोरी, हार्डवेयर, ठीक है ना, हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा आप चैप्टर नंबर 3rd में भी जाओगे तो आपको, सॉरी, चैप्टर नंबर 1st में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया, उसमें मेमोरी का कुछ पार्ट भी था, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 2nd में मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस पढ़ाए हैं जो यहाँ पर दे रखेंगे, ठीक है, जिसमें फिर मैंने आपको आउटपुट डिवाइसेस पढ़ाए चैप्टर नंबर 3rd में, जहाँ पर मॉनिटर, क्रिस्टल, सॉरी LCD, ठीक है ना, फ्लैट पैनल मॉनिटर, प्रिंटर, प्रिंटर की मेथड कौन सी होते हैं, प्रिंटर कौन कौन से होते हैं, ये सारे नाम यहाँ पर आपको दे रखे। तो मैं अलग से आपको ये सारी चीज़ें डीपली नहीं पढ़ाने वाला हूँ वापस से, क्योंकि मैं सब चीज़ बता चुका हूँ आपको। अब यहाँ पर जो एक नया पॉइंट हैगा इस चैप्टर में वो हैगा MIS, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भी IT एप्लीकेशन वाला जो चैप्टर हैगा 17 हैगा शायद, आई थिंक आपके उसमें, अभी लास्ट 2-3 दिन पहले ही मैंने वीडियो अपलोड करी थी, तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम की भी सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बता दी थी। अब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आती है, इसमें एक पॉइंट आता हैगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, क्या नाम है हमारा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MIS। होता क्या हैगा, अब मैनेजमेंट का काम क्या होता हैगा, किसी भी काम को मैनेज करके रखना, ठीक है ना, किसी भी काम को कर रहा हो, कोई सी भी चीज़ हो, उसको मैनेज करके रखना, ठीक है। जैसे लिखा, प्रबंधन एक चिंता के संचालन के नियोजन, नियंत्रण और प्रशासन के शामिल करता है। शीर्ष प्रबंधन योजना का प्रबंधन करता है, मध्य प्रबंधन नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करता है और निचले प्रबंधन वास्तविक प्रशासन से संबंधित होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर यह होता है कि मैनेजमेंट जो होता हैगा, इसमें आप किसी को मैनेज करते हो, ये नहीं बोल सकते, आप किसी काम को प्लानिंग करते हो, उसको ऑर्गेनाइज करते हो, उसको डायरेक्ट करते हो और उनसे वो काम करवाते होंगे, ठीक है ना, आप अपनी कंपनी को सिंपल तरीके से चलाते हो पूरी तरह। नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करना, ठीक है ना, क्या करना, सूचना प्राप्त करना। नेक्स्ट आता है प्रणाली, मैनेजमेंट और सूचना की, इसकी जो पूरा सिस्टम होता है, जानकारी प्राप्त करने की प्रोसेस होती है, ये सब क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। अब यहाँ दिया है, इस प्रकार MIS अपने कार्यों के प्रबंधन के लिए उचित जानकारी देने के लिए डाटा संप्रसारण के लिए प्रणाली आधार हैगा। परिभाषा दे रखी है, प्रबंधन सूचना प्रणाली या, ठीक है ना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर MIS प्रबंधन कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक जानकारी के रूप में डेटा एकत्र करने, भंडारण और प्रसार करने की योजनाबद्ध प्रणाली है ये, ठीक है। अब MIS जो दिया हैगा, इसके उद्देश्य दे रखे हैं आपको, MIS के लक्ष्यों को बेहतर तरीके से संगठन के प्रबंधन के उद्देश्य के लिए उद्यम की संगठनात्मक संरचना और गतिशीलता को लागू करना है और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए सूचना प्रणाली की संभावना को संग्रहित करता है। MIS के मूल उद्देश्य निम्नलिखित है, डेटा संग्रह करना, प्रासंगिक डेटा या परिचालन संबंधित जानकारी को संग्रहित करना जो संगठन के विभिन्न आंतरिक और बाह्य स्रोतों से निर्णय लेने से योगदान करेगा, प्रोसेसिंग डेटा, सामरिक रणनीति को परिचालन स्तर पर क्रियात्मकों की योजनाओं, आयोजन, समन्वय, निर्देशन और नियंत्रण के लिए आवश्यक जानकारी में कब्जा किए गए डेटा पर कार्रवाई की जाती है। प्रोसेसिंग डाटा का अर्थ डेटा के साथ गणना करना, सॉर्टिंग डेटा, वर्गीकृत डेटा और डेटा का सारांश। सूचना संग्रहण, भविष्य में उपयोग के लिए जानकारी या संसाधित डेटा को संग्रहित करने की आवश्यकता, सूचना प्राप्त करना, प्रणाली को इस जानकारी को भंडारण के प्राप्त करना सक्षम होना। अब सिंपल सी बात हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जो होती है कि सबसे अच्छी चीज़ ये मानते हैं कि MIS जो रहता है मैनेजमेंट करना। अब हम कोई भी काम करते हैं, आज कॉपी पेन लेकर लिख रहे हैं, लगे हैं, ठीक है ना, तो उसमें हर चीज़ में टाइम लगता है। हमने जैसे अभी IP के चैप्टर भी पढ़े थे, उसमें यही चीज़ थी। अब जैसे हम अकाउंटिंग कर देंगे, ठीक है ना, सारे कॉपी में फॉर्मेट बनाना, लिखना, सारी चीज़ें करना। अब ये तो चलो ठीक है, हम लोग बुक की है कि तो आप लोग सोचते हो इतना सारा लिखना पड़ता है, ठीक है ना, बट इन्हीं सारी चीज़ों को अगर कंप्यूटर में करा जाए तो हमारा टाइम भी बचता है,
जगह भी बचती है, मीन अब बड़ी बड़ी फाइलें, आपको 5-10 साल का रिकॉर्ड रखना है अकाउंटिंग का, तो आपको तो एक रूम चाहिए, एक हॉल चाहिए जिसमें आप सारी अकाउंटिंग की फाइलें रख सकते होगे। बट कंप्यूटर में एक छोटा सा डब्बा हैगा, आप कहीं भी उसको टेबल पर रख दोगे तो भी वो सारी चीज़ें आप 5-10 साल 20 साल 50 साल का भी रिकॉर्ड उसमें सेव कर सकते होगे, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है। तो यही चीज़ें हम क्या करना है यहाँ पर, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। अब आपकी जो अकाउंटिंग है इसे हम कंप्यूटर में करना है, तो यही फ़ायदे वो बता रहा है कि आपको कभी भी कोई सी जानकारी चाहिए, ठीक है ना, आप कंप्यूटर से निकाल सकते होगे। आपको कहीं बाहर बैठे होगे और प्रोग्राम चाहिए या कोई फाइल चाहिए, ठीक है ना, अब नॉर्मल सी बात है, आप कहीं मीटिंग के लिए बाहर गए और कोई फाइल आपकी यहाँ रह गई है, अब मैं वो फाइल आपको कैसे पहुँचाऊँ उस समय अर्जेंट में, आपको मीटिंग के लिए गए हो, अब फाइल आप पूरी यहाँ रखिएगी, अब हम कैसे पहुँचाएँ। अगर यही सारी जानकारी आपकी कंप्यूटर में रहती तो हम पेन ड्राइव में कॉपी करके या फिर ये बोल सकते हैं आपको डायरेक्ट ऑनलाइन सेंड कर देते तो भी आपका काम चल जाए, बट कॉपी कैसे पहुँचाएंगे, हार्ड कॉपी पहुँचाने में दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे फायदे होंगे, ठीक है ना, नॉर्मली लाइफ के होंगे, तो सारी चीज़ें जनरल है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है लेखा सूचना प्रणाली। इसमें व्यवसाय चलाने के लिए किसी कंपनी को अपनी वित्तीय जानकारी को सही ढंग से स्टोर करने की आवश्यकता होती है। लेखांकन में सूचना प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें व्यय और वित्तीय नियोजन के लिए सामान्य व्यापार लेन देन की वित्तीय रिपोर्टिंग शामिल है। फर्म के साथ साथ उसके शेयरधारकों के लाभ वित्तीय रिकॉर्ड को सही ढंग से संग्रहित करना, लेन देन डेटा को वित्तीय जानकारी से संग्रहित करना और संसाधित किया जाता है, जो बदले में शेयरधारकों, प्रबंधकों और अन्य इच्छुक पार्टियों को प्रसारित होता है। सिस्टम जिसे अकाउंटिंग सूचना प्रणाली कहा जाता है, सभी को प्रोसेस करने की प्रक्रिया है या प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब पूरी अकाउंटिंग आपको कंप्यूटर में करनी है, भाई कभी किसी ने फाइल मांगी, कभी किसी ने कोई डाटा मांगा तो हमने उसका नाम सर्च मारा और उसका फाइल उसको हाथों सेंड कर दी, वो भले विदेश में बैठा हो, कोई दूसरे शहर में बैठा हो, दूसरी ब्रांच में बैठा, चलो ठीक है हमारे ऑफिस में ही क्यों ना बैठा हो, हमारे बॉस ने बोला कि जाके वो फाइल लेकर आओ, ठीक है, हमने उनको वहीं की वहीं सेंड कर दी, सर ये रही फाइल। हम पूरा सिस्टम कंप्यूटर में नहीं आना, हमको वहाँ तक उतना टाइम नहीं है, हम उतनी देर में बहुत सारा काम कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी प्रोग्राम है का, तो सारी चीज़ें हम अकाउंटिंग कंप्यूटर में करके कभी भी किसी को सेव कर सकते हैं, डाटा ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, वो सुरक्षित भी रहेगा, ठीक है ना, जरूरत पड़ने पर हम उसको ईजी तरीके से निकाल भी सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेटा और सूचना। लेखांकन में सूचना प्रणाली में उस डेटा के डेटा और परिवर्तन का संग्रह शामिल होता है जिसे लेखा निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जाता है। डेटा मूल तौर पर कच्चा तथ्यों को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है, जिसके लिए तृतीय निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। लेखांकन सूचना प्रणाली की भूमिका निभाता है। अब डेटा और सूचना, ठीक है ना, हम हमारा डाटा क्यों स्टोर करके रखते हैंगे, ताकि हम उससे जानकारी ले सकते हैंगे, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, आप कोई फाइल अपलोड करके रख रहे होंगे तो क्यों रख रहे होंगे, या तो एविडेंस के तौर पर आप किसी को दिखा सकते होगे, ठीक है ना, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आपको खुद को जानकारी मिल जाए, मैंने कब किसको पेमेंट दिया था, कब किससे पेमेंट लिया था, कब कौन सा खर्चे करा था, ठीक है, चलो ठीक है। अब ये ले, आपने देखा होगा कि कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं कि जो आपके माल खरीदने बेचने के पूरे बिलों की कार्बन कॉपी बना के रखते हैं, कुछ के सभी रखते हैं, ठीक है, क्यों रखते हैं, माल बेच दिया पैसा आ गया तो हमें हिसाब क्यों रखना, ये हो सकती है ना कि हमने माल बेच दिया पैसा आ गया तो आपके हिसाब रखना, क्यों रखें हम कार्बन कॉपी। मेन चीज़ ये आती है कि वो रखने का कारण सबसे बड़ा ये बनता है कि अगर आप रिकॉर्ड नहीं रखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास में कितना स्टॉक हैगा। चलो ठीक है, मैंने आज माल बेच दिया पैसे आ गए, अब मैं शाम को ये ढूंढ रहा ये पैसे कहाँ से आए, मुझे तो आइडिया ध्यान ही नहीं आ रहा है, दिमाग से उतर गए कि पैसे कहाँ से आए। सो बहुत सारे रीज़न, आपने माल बेच दिया और आपको ध्यान ही नहीं कि आपने किसी को माल बेचा और उससे पैसे लेने के, तो ये सारी चीज़ें बिल क्या रहते, रिकॉर्ड रहते, तो वैसे डेटा और सूचना होता है। नेक्स्ट आता है लेन देन। रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग जानकारी में एक लेन देन आया हुआ सबूत शामिल होना चाहिए। लेखांकन में जानकारी स्वीकार नहीं है, प्राप्ति और खरीद आदेश जैसे दस्तावेज को लेन देन के प्रमाण के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए। लेखना सूचना प्रणाली में आवश्यक अन्य दस्तावेजों, प्रक्रिया, होने वाले परीक्षण, शेष वित्तीय व्ययों और वर्कशीट। पिछले वर्षों में मैनुअल लेखा सूचना प्रणाली का उपयोग करना आम था, जिसमें हार्ड कॉपी बैलेंस शीट पर जानकारी दर्ज करना शामिल था। उदाहरण के तौर पर लगभग सभी वित्तीय रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक, हालांकि ऐसी कंपनियां जो इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल सूचना प्रणाली दोनों को बनाए रखते हैं। अब मेन चीज़ क्या आती है कि आप सारी जानकारी लेन देन की, ठीक है ना, आप बिल वगैरह बनाते हो, कार्बन कॉपी में रखते हो, लिखते हो, ठीक है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आपके सारी चीज़ें करने के, ठीक है। तो आजकल ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर में करते हैं, तो सारा बिल हमने कंप्यूटर में बना, ना हमें कार्बन कॉपी बनानी है कि ना कुछ रखना है, सिर्फ उसकी प्रिंट निकाल के उस व्यक्ति को, सामने वाले को देना है, ठीक है ना, एक छोटी सी स्लिप में उसमें काम हो गया हमारा,
ना हमें पेपर वेस्टेज हुए ज़्यादा, ठीक है ना, एक छोटे से पेपर में सारी चीज़ें लिखा, ना हमारा लिखने का टाइम हुआ, डायरेक्ट हमने कंप्यूटर में टाइप करा और वो चीज़ हमारे पास कंप्यूटर में रह गई परमानेंट कि हमने आज इतने बजे इतने कस्टमर को इतना माल दिया था, ठीक है। आप नॉर्मली बिल बनाओगे तो उसमें टाइम वगैरह नहीं लिखते, बट कंप्यूटर में ये सारी फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है और ये चीज़ क्या होता है, एविडेंस सबूत के तौर पर काम करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रौद्योगिकी। मानक निजी कंप्यूटर अकाउंटिंग में सबसे अधिक इस्तेमाल का इनपुट डिवाइस है का सूचना इनपुट के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण कीबोर्ड, स्कैनर और इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज शामिल है। आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर शामिल है। हर दिन सामान्य लोग विभिन्न व्यवसायों की सूचना प्रणालियों में डेटा के इनपुट में भाग लेते हैं। सुपरमार्केट में जहां आप अपनी वस्तुओं को स्कैन करते हैं और भुगतान करते हैं तो आप डेटा को व्यवसाय के सूचना प्रणाली से इनपुट कर रहे होंगे। अब यहां पर आ जाता है, आप नॉर्मल सी बात है, आजकल सारी चीज़ें क्या ऑनलाइन हो गई है, ठीक है ना, ना किसी व्यक्ति का होना नहीं होना कोई जरूर भी नहीं होता हैगा। आप गए, आपने ऑनलाइन पेमेंट करा और आप आ गए, बात खत्म हो गई। किसी का जरूरी क्या होना अपने, जैसे फॉरेन में हैगा, आप जापान वगैरह में ऐसे स्टोर बने जहाँ पे स्टोर बने हुए दुकानें खुली हुई हैगी लेकिन वहाँ पर कोई व्यक्ति आता ही नहीं हैगा, मतलब ये बोल सकते हैं कि सॉरी आता नहीं हैगा, ऑनर वहाँ नहीं रहते हैंगे ना सिक्योरिटी का, क्योंकि पूरा सिस्टम उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या फिर बोलते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी वाला टाइम है वहाँ पर, ठीक है, उन्होंने क्या कर रखा है, ऐसे शॉप बना रखी है जहाँ पर आप जाओगे पैसे डालोगे, ठीक है ना, पैसे डालोगे सामान आपके पास में निकल आएगा, ये कंडीशन हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ऐसी है कि वहाँ बारकोड लगे, आपने सामान उठाया है, आप स्टोर में आओगे, आप ऑनलाइन पेमेंट, जब तक ऑनलाइन पेमेंट नहीं करोगे उस वस्तु का तब तक आप उसको शोरूम के बाहर लेकर नहीं जा सकते होगे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी होती रहती है। अब यहाँ पर इसी तरीके के सारे पॉइंट दे रखेंगे, ठीक है ना, जो आप खुद ही कंप्लीट कर सकते होगे। यहाँ पर आपको कुछ सॉफ्टवेयर भी दे रखेंगे लास्ट पेज पे आप जब आओगे तो। कंप्यूटरीकृत अकाउंटिंग सिस्टम में हम प्रत्येक लेनदेन के डिजिटल रिकॉर्ड के लिए कंप्यूटर और अलग अलग लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अगर हम कंप्यूटर में कोई भी लेखा कर रहे हैं, कोई भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, कोई भी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके लिए क्या रहता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाते हैं। कंप्यूटर के लेखा में हमारा कर्तव्य डेटाबेस में मैन्युअल रूप से लेन देन रिकॉर्ड करना है, सभी गणना कंप्यूटर सिस्टम द्वारा की जाती है एवं हमें इसे प्रत्येक खाते के संतुलन की गणना करने की आवश्यकता नहीं है, यह कंप्यूटर के लेखा प्रणाली द्वारा स्वचालित रूप से गणना की जाती है। अब यहाँ पर यह चीज़ दिया है कि जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होता है, हम अकाउंटिंग करेंगे तो कंप्यूटर में तो करेंगे, बट कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसके बेस पर हम अकाउंट, नॉर्मली बात है हम कोई फोटो एडिटिंग करते हैं, वीडियो देखते हैं तो वो भी किसी सॉफ्टवेयर में देख रहे हैं ना, किसी एप्लीकेशन में देख रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी दे रहे हैं कि आप कंप्यूटर में अकाउंटिंग करोगे तो कौन से सॉफ्टवेयर में कर सकते होगे। यहाँ पर एक दिया है टेलर मेड सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग करता विशिष्ट सॉफ्टवेयर की डिजाइन और विकसित करने के लिए संदर्भित करते। यह सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता विशिष्ट होने पर खुद के लिए उपलब्ध नहीं है लेकिन उपयोगकर्ता के बीच चर्चा के आधार पर उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं पूरा करने के लिए विकसित किया गया। उदाहरण के तौर पर रेलवे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर, बैंकिंग सॉफ्टवेयर आदि, ठीक है ना। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो किसी के लिए अवेलेबल नहीं होंगे लेकिन बनाए किसके लिए गए हैं, हमारी फैसिलिटी के लिए, ठीक है ना। जैसे रेलवे की अकाउंटिंग है कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्या रेलवे की अकाउंटिंग, नहीं कर सकते ना, उनका सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते ना देख, बट बनाया किसके लिए गया, हमारी फैसिलिटी, भाई कितने टिकट बुक हुए हैं, कितना पैसा आया, कितना नहीं आया, कितने जनरल रिजर्व होंगे, ठीक है ना, कितने रिजर्व करें, तो ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। नेक्स्ट आता है कस्टमाइज लेखा सिस्टम। कस्टमाइज किया गया सॉफ्टवेयर का मतलब है उपयोगकर्ता की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप रेडीमेड सॉफ्टवेयर में बदलाव करना। उपयोगकर्ता की अपेक्षा के अनुसार उपलब्ध सॉफ्टवेयर को संशोधित किया है, उदाहरण के लिए चालान इनवॉइस प्रबंधन प्रणाली के लिए डिजाइन पेरोल प्रबंधन सिस्टम आदि। स्वनिर्धारित लेखा प्रणाली के लाभ तथा हानियां रेडीमेड सिस्टम के समान ही हैं, ठीक है। अब कस्टमाइज लेखा सिस्टम दिया है कि जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर मिलते हैं, मतलब आपको ऑलरेडी अकाउंटिंग के लिए बने बनाए सॉफ्टवेयर मिलते हैं, जैसे टेली वगैरह आप करते हो जो सॉफ्टवेयर हैंगे, ठीक है ना, तो ये सारे सॉफ्टवेयर में अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई चेंजेस करवाना चाहते हो तो वो क्या हो जाएगा, कस्टमाइज लेखा सिस्टम, ठीक है। आपके पास कोई अकाउंटिंग का सिस्टम है जो मार्केट में अवेलेबल है नॉर्मली, ठीक है, आपने वो ले लिया, आपको उसमें कोई चेंजेस करवाने हो तो आप उसमें चेंजेस करवा सकते। उसके भी जो दे रखा है कि इसके
मेरिट्स और डीमेरिट्स दे रखे हैं, दोनों के सेम होते हैं, रेडीमेड के भी पढ़ लो और इसके भी पढ़ लो। अब रेडीमेड सॉफ्टवेयर, रेडीमेड सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर है जो किसी भी विशिष्ट उपयोगकर्ता के लिए नहीं बल्कि सामान्य रूप से उपयोगकर्ता के लिए विकसित किए जाते हैं। चूंकि रेडीमेड सॉफ्टवेयर जनक उपयोगकर्ता के लिए है, यह आवश्यक नहीं है कि इस तरह के सॉफ्टवेयर के सभी मॉड्यूल हर उपयोगकर्ता के उपयोग के लिए हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया रेडीमेड सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो सभी के लिए अवेलेबल रहते हैं, किसी एक पर्सन के लिए यूज़ में नहीं आते, सभी इसका यूज़ कर सकते। एग्जांपल के तौर पर देखा टेली, ERP 9, सेप इत्यादि टेली ERP 9 सॉफ्टवेयर का विवरण चैप्टर 19 में दिया गया है, ठीक है ना। टेली का चैप्टर 19 में आपको विवरण दे रखा है, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।